कास्टिंग जब आप आई थी तो आपको कुछ म्यूजिक वगैरह दिया गया था? जी बिल्कुल दिया गया था, मुझे कुछ बताया गया था, गाइड किया गया था कि मुझे कैसे यूटिलाइज करना अपना टाइम को, एक्सरसाइज कुछ कहा था और म्यूजिक दिया गया था जिनको सुन के मुझे रिलैक्स होना था जी। और उसके बाद मेरी लाइफ में इतने अप एंड डाउन आए बट उनकी हेल्प से मैं थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाई। चलो दैट्स इवन बेटर। पर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप एंजाइटी खत्म हो चुकी है या बहुत कम होगी? हाँ सर, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में अभी पास्ट टू मंथ्स में इतने अप एंड डाउन आए क्योंकि मैं ऑपरेटेड भी हुई कुछ हुई तो ये सब चीज से जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो कहीं ना कहीं उन चीजों ने जो इन्होंने मुझे रेडी किया गया था आपके थ्रू, मेरे को टीम ने रेडी किया था तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई और मैं बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाई, नहीं तो बहुत खराब सिचुएशन। गुड टू नो दैट। और आप अकेले हैं? हाँ नहीं, मैं मेरी फ्रेंड है, क्या मैं उसको अंदर लाऊं? मैं कहूँगा कि उनको बाहर ही रहने दीजिए, रीजन बीइंग क्योंकि जो आपका पीआर सेशन होगा वो बहुत पर्सनल चीज होती है जी, जी। हाँ बट अगर वो देखना चाहती हैं क्या हो रहा है तो उसके लिए इस रूम में ही दो कैमरे हैं तो वो स्क्रीन बाहर है हमारे पास तो वहां पर वो पूरी पूरा सेशन देख सकती हैं बट सुन नहीं सकती। सो ये बात मतलब आपके मेरे बीच में? हाँ, ये सेशन एक बार हो जाए उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको आगे उनको क्या बताना है, ठीक है? क्योंकि ये बड़ी पर्सनल चीज है, मैं नहीं चाहता कि जब तक आप डिसाइड ना करें तब तक किसी और को पता चले। सो इसमें मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जान पाऊंगी? उम्मीद तो पूरी है। एक्चुअली हमारा फोकस ये है कि आप जो जो चीजें आज महसूस कर रही हैं, जो जो डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं, वो डिफिकल्टीज क्यों फेस कर रही हैं, ऐसी कौन सी ऐसी लाइफ थी या आपसे क्या ऐसे गलत चीजें हो गई, गलत कर्म हो गए जिसकी वजह से आज एक तरह से आपको भुगत रही है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम वो देखें। एक बार वो देख लें तो कम से कम ये होता है कि मालूम होता है कि मैंने क्या किया था, एंड वंस वी नो कि हमारी क्या गलती थी तो हमें पर कुछ ना रेमेडीज भी मिल जाती है कि चलो। अब होता क्या है, इंसान को बुखार होता है, नॉर्मली इंडियंस की क्या टेंडेंसी है कि वो पैरासीटामोल लेते हैं और सोचते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, सुबह ठीक हुए शाम को फिर बुखार, सुबह ठीक हुए फिर शाम को बीमार, फिर क्या होता है डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई मुझे क्या पता बुखार क्यों है, आपको टाइफाइड हुआ है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, कोविड हुआ है या वायरल हुआ है, हाउ वुड आई गेट टू नो? वो ब्लड टेस्ट करवाता है तो समझो ये पीला जो है ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है। एक बार टेस्ट होगा तो हमें पता चलेगा कि हमें आपको रेमेडी क्या देनी। बिल्कुल सर। और जो इमोशनली वीक होते हैं ना वो कहीं ना कहीं पास में स्टक होते हैं। ऐसे मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि अभी तो मैं कुछ गलत कर नहीं रही पर मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वही सब सवाल। देखिए ये चीजें हमें सब, पहली बात तो अभी तो कैस है, अभी तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं हमारे थॉट्स हैं कि शायद ऐसा हुआ वैसा हुआ या इस वजह से हो रहा है, जाके पता चलेगा ना। चलिए एक्साइटेड है बट उम्मीद करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे मिथ है, मैं वापस आऊंगी नहीं आऊंगी, मैं वहीं रह तो नहीं जाऊंगी, आपका शरीर यहाँ है, आपकी आत्मा यहाँ पर है, सिर्फ आपके थॉट्स वहां जा रहे हैं। हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड कई चीजों से बना हुआ है, उसमें एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसी तरह से एक हार्ड ड्राइव नाम की तरह ही एक प्रिमिटिव माइंड होता है, वो प्रिमिटिव माइंड में ही हमारे पुराने जन्मों के सारे रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, आप अपने ही अंदर जाने वाले, ये एक तरह का मेडिटेटिव स्टेट है, ये हिप्नोसिस का एक स्टेट है। तो आप अपने अंदर ही झांकोगे कि आपके अंदर वो रिकॉर्ड्स कहां से आए, क्या क्या किया, और फिर अंदर से फिर बाहर ही तो निकलना है। सोने के बाद क्या करते हैं, जाते ही तो हैं, बस वही है हमारे जो अंदर जो भी गांठें बंधी हुई हैं उनको खोलने जा रहे हैं, बस हम खोलने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करें? बिल्कुल सर। चलिए बिफोर वी बिगिन मैं आपसे बता देता हूँ कुछ स्टेप्स होंगे। एक तो जब हम पीला करने होंगे तो मुझे आपके माथे पे यहाँ पर थर्ड आई टच करना पड़ेगा। आप गर्मियों में कभी कभी होता है ना, जैसे दोपहर को खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाने के बाद क्या करते हैं, सुस्ताते हैं, लेट गए, हमारी आंख भी लग जाती है बट हमें पता होता है हमारे आस पास क्या हो रहा है, यानी कि नींद और जागने के बीच की स्टेट है, उसे ट्रांस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रांस होगा ये बस स्टेबल ट्रांस होगा जिसे डीप ट्रांस कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप समुद्र के तले में पहुंच गए, किसी पाइप में से नीचे डूब गए, कुछ नहीं होगा ऐसा, ये सिर्फ बोलने की बातें होंगी और आपको घबराना नहीं, ऐसा कोई डर लगता हो पानी से या किसी और चीज से तो मैं पहले बता दीजिए।
ताकि मैं ऐसे वर्ड्स यूज ना करूं, पानी पानी से डर लगता है, तो मतलब मुझे समुंदर और पानी की बात नहीं करनी। जी फिर तो फिर हम शुरू करते हैं। जी जी, प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए, सांस अंदर सांस बाहर आराम से, ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। जब आप सांस अंदर ले रही हैं तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि जब सांस अंदर जा रही है तो आपके नॉस्ट्रिल्स को ठंडी हवा छू रही है, और जब सांस बाहर आ रही है तो वो हवा गर्म हो जाती है। सिर्फ सांसों को महसूस करना है, इनहेल करते हुए आप महसूस करेंगे कि आपका पेट फूल रहा है, और जब आप एक्सहेल कर रही हैं तो आपका पेट नीचे की तरफ जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बस अपना ध्यान सिर्फ सांसों की ओर, आप ब्रीथिंग करें, डीप ब्रीथिंग करें दो बार और डीप ब्रीथिंग, और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है आपको। ब्रीथिंग करते हुए चाहे वो नॉर्मल ब्रीथिंग है चाहे वो डीप ब्रीथिंग है, आपको बस ध्यान अपनी सांसों पर रखना, अपनी सांसों पर रखना है। ये सांस अंदर बाहर या ये डीप ब्रीथिंग सिर्फ आपसे इसलिए करवाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक जा सके, आपकी बॉडी में फ्लो कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे आपके थॉट्स रुकेंगे, अगर आपके अंदर कोई एंजाइटी है वो खत्म होगी। सो जस्ट फील रिलैक्स्ड, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला, मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल ढीला। महसूस करें कि आप एक पार्क में हैं और उस पार्क में बहुत ही मनमोहक दृश्य है, हरियाली है, फाउंटेन्स हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं। बस उस खुशी को महसूस करें, उस निर्मल वातावरण को महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें जो आपके अंदर आ रही है। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला। गोइंग डीप इन ट्रांस, गोइंग डीप इन ट्रांस, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला, मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल ढीला। अब आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, और जब तक मैं ना कहूं आपकी आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, बिल्कुल नहीं खुलेंगी, बिल्कुल नहीं खुलेंगी। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय हर वक्त मेरी हर इंस्ट्रक्शन को सुनता रहेगा। चेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय मेरी हर इंस्ट्रक्शन को सुन पाएगा। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला, 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 शांत, शरीर बिल्कुल ढीला। मेरे 10 से 1 की गिनती में अब आप और गहरी ट्रांस में चली जाएंगी, और हर गिनती के साथ हजारों गुना गहरे ट्रांस की ओर बढ़ती चली जाएंगी, हजारों गुना गहरे ट्रांस की ओर बढ़ती चली जाएंगी। 10, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। 4, अब आप और गहरे ट्रांस की ओर बढ़ती चली जा रही हैं, अब आप और गहरे ट्रांस की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। 3, अपने शरीर पर अपने मन पर सारा कंट्रोल छोड़ दें और गहरे ट्रांस की ओर जाएं।
ट्रांस की ओर जाएं, गहरे ट्रांस की ओर जाएं, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। अब जैसे ही मैं एक कहूंगा, अब आप बहुत गहरे ट्रांस की ओर चली जाएंगी और हमेशा मेरे पास सुन पाएंगी। जैसे ही मैं एक कहूंगा, आप बहुत गहरे ट्रांस की ओर चली जाएंगी और हमेशा मेरी आवाज सुन पाएंगे। और ये एक गोइंग डीप हर आवाज के साथ आप और गहरे रिलैक्सेशन मोड की ओर बढ़ती चली जा रही है, और गहरे रिलैक्सेशन मोड की ओर बढ़ती चली जा रही है, पर आप हमेशा मेरी आवाज सुन पा रही है, सुन पा रही है, सुन पा रही है। महसूस करें कि आप एक पार्क में आ चुकी हैं, और सामने आपके बहुत ही लश ग्रीन ग्रास है। अपना पांव आगे बढ़ाएं, उस घास पे रखें और महसूस करके बताएं कि ये घास गीली है या फिर सूखी है। आप अपने मुंह से मुझे बता सकती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस सूखी घास से आप अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबते हुए महसूस करें और आगे बढ़ें, इस वातावरण का मजा लें। सामने की ओर देखें, कुछ क्यारी नजर आ रही होंगी जहां पर आपको कुछ फूल नजर आ रहे होंगे। उन फूलों को देखिए और बताइए किस रंग के फूल नजर आ रहे हैं आपको, किस रंग के फूल नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई रंग नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सामने आपको एक बेंच नजर आएगा, कोई बेंच अगर आपको नजर आ रहा है तो उस पर जाके बैठ जाइए, उस पर जाके बैठ जाइए और मुझे ये बताइए, महसूस करके बताइए ये बेंच किस चीज का बना है। सीमेंट का, लकड़ी का, लोहे का, किस चीज का बना है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप महसूस कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ जोड़ रही हैं और आप अपने स्पिरिट गाइड से प्रार्थना कर रही हैं कि वो आए और आपको अक्रॉस द टाइम ट्रैवल कराएं, आपका हाथ थामे और आकर आपको ट्रैवल कराएं। मैं कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन रहूंगा, आप वो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करें ताकि ब्रह्मांड से आपके स्पिरिट गाइड आए और आपको अपनी मौजूदगी महसूस कराएं। कैसे महसूस हुई? किसी सुगंध के रूप में, किसी आवाज के रूप में, रोशनी, किस रंग की रोशनी है ये? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डिवाइन वाइट लाइट के रूप में आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ जुड़ चुके हैं। चलिए आप अब इनका आशीर्वाद लें, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें और बढ़ते हैं। आप हम बढ़ते हैं हम आगे और एक सामने एक टनल के अंदर चलते हैं। उस टनल को जब हम क्रॉस करेंगे तो हम उस लाइफ में जाएंगे जिस लाइफ का संबंध आपकी आज की लाइफ के साथ है। वो उस लाइफ में जाएंगे जबकि हम देख पाएंगे कि आपने ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में इतना यश है पर बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। रिलेशंस हैं, पर बहुत से रिलेशन अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं।
क्या गलतियां की थी जानबूझकर अनजाने में, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। मेरी 3 से 0 की गिनती में अब हम उस टनल को क्रॉस करेंगे। 3, अब हम उस टनल के अंदर एंटर कर रहे हैं, टनल के अंदर एंटर कर रहे हैं। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। 2, अब हम बस ऑलमोस्ट मिडवे पहुंच गए हैं उस टनल के अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, क्यूरियोसिटी है कि हम अपनी उस जिंदगी को देखने वाले हैं जो हमने कभी जी थी। 1, अब हम बिल्कुल उस टनल के पास पहुंच गए हैं। अब उस चमकीली लाइट में आ गए हैं जहां पर हमारी आंखें चुभिया गई हैं, और जब हम शून्य सुनेंगे, उसके पार चलेंगे, तो हमारी आंखें खोलेंगे तो हम उस लाइफ में होंगे जो हमने कभी जी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और शून्य। अब आप आगे बढ़ चुके हैं, उस टनल के बाहर निकल रही हैं। सामने की ओर देखेंगी और मुझे बताएंगी कि आपको सराउंडिंग कैसी नजर आ रही है, आपको जमीन कैसी नजर आ रही है। पहाड़ है, रेगिस्तान है, नदी का किनारा है, गांव है। बहुत अच्छे। अपने हाथों पैरों को थोड़ा आगे करके महसूस करके बताइए, ये हाथ पैर लड़के के हैं या लड़की के हैं? वो जन्म जो हम देख रहे हैं वो किसी लड़के का जन्म है, लड़के का जन्म है। ऊपर आसमान की ओर जरा देखिए, महसूस करके बताइए, क्या कुछ नंबर इकट्ठे हो रहे हैं? नंबर जो आपको बताएंगे कौन सी सदी है, कौन सा साल है, कुछ नंबर देख पा रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं अपने 3 से 0 की गिनती में। अब आप अपने घर तक पहुंचेंगे और देखेंगे वो घर कैसा था, किस रंग का था, कौन कौन लोग थे वहां पर। 3, अब आप अपने घर की ओर बढ़ रही हैं। 2, अब आप बहुत नजदीक आ गई अपने घर के, बस पहुंच चली। 1, अब आप बहुत नजदीक पहुंच चुकी हैं, दूर से आपको अपना घर नजर आ रहा है। और 0, अब आप अपने घर के पास पहुंच चुकी हैं, घर में एंटर कर गई हैं। सर देखिए अपने घर को और बताइए ये किस चीज का बना है, क्या क्या है इसके अंदर, कौन लोग रहते हैं, कोई जानवर, कोई लोग, कौन कौन रहते हैं, कैसा बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। महसूस करके बताएं कि आप काम क्या करते हैं। कुम्हार का काम, लोहे का काम, लकड़ी का काम, क्या काम करते हैं आप? किसान। बहुत अच्छे। मेरे 3 से 0 की गिनती में आप उस जगह पहुंचेंगे जहां महसूस करेंगे कि आपको लोग किस नाम से बुलाते हैं। 3, अब आप आगे बढ़ रही हैं उस झुंड की ओर, उस लोगों के समूह की ओर जहां पर लोग आपको आपके नाम से बुलाएंगे। 2, अब आप और आगे बढ़ गई हैं। 1, उस समूह की ओर बस बढ़े चले जा रही हैं। और 0, अब आप वहां पहुंच गई हैं जहां पर आपका नाम लिया जाएगा।
feel it, please listen to it. Please explain. उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर कि आपने ऐसा कुछ किया किसी के साथ